आज भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माने जाने वाले त्योहार रक्षाबंधन का दिन है। जी हाँ, बहन भाई की कलाई पर इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधती हैं। इस दिन भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। ये त्योहार प्यार का टूट बंधन दर्शाता है। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा के लिए बांधा गया बंधन यानी कि सूत्र। इसलिए बहन अपनी हर प्रकार से रक्षा के लिए अपने भाई की कलाई पर राखी सजाती हैं। तो वहीं रक्षाबंधन पर बाजार में अलग अलग तरह के डिजाइनर राखियां वराइटीज उपलब्ध है। तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, सूबे के अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, महिलाएं विशेष तौर पर अपने भाइयों के लिए राखी खरीद रही हैं, लेकिन राखी से बाजार किस तरीके से गुलजार है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, श्रावस्ती, मथुरा, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, हर जगह की तस्वीर है, बाजार गुलजार है और बहनें भाइयों के लिए आज रक्षा सूत्र बांधने के लिए राखियां खरीद रही हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा खटीमा पहुंचे हुए हैं, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा ने रक्षाबंधन मिलन कार्यक्रम रखा हुआ है। रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी का माल्यार्पण किया गया। तो वहीं रक्षाबंधन के पूर्व बेला पर मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की कलाई पर भी मसूरी की हजारों महिलाओं ने राखी बांधते हुए जोशी की लंबी उम्र की कामना करी है। तस्वीरें आपको उत्तराखंड सूबे के अलग अलग हिस्सों की दिखा रहे हैं। देखिये, रक्षाबंधन का पावन पर्व है और ऐसे में भाई बहन में प्रेम की जो प्रगाढ़ता है वो एक रक्षा सूत्र से प्रदर्शित होती है। तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। सीएम धामी को राखी बांधी है बहनों ने। दूसरी तरफ गणेश जोशी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पुलिस जवानों की राखी देख पा रहे हैं। ये सूबे के रंग है। आप लोगों की इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी संख्या और एक सूत्र जो भाई बहन का होता है, आप ने उस सूत्र को और मजबूती से जोड़ने का काम किया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिन आकांक्षाओं को लेकर, जिस विश्वास को लेकर हमारी माताओं बहनों ने इस उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए एक लंबा संघर्ष किया था, एक लंबी लड़ाई यहाँ पर लड़ी थी और हमारी माताओं बहनों के जो सपने हैं उन सपनों को निश्चित रूप से साकार करने में आपका ये उत्साह और आपकी यह समर्थन आपका इसमें मुझे हमेशा शक्ति प्रदान करता रहेगा। मैं इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तीन बार से विधायक हूँ, आज भी बिल्कुल उसी स्थिति में हूँ। बस एक भरोसा हम भी धनी दे सकता हूँ कि जिस भरोसे से आप मुझे राखी बांध रही हूँ, आपका ये भाई उस भरोसे पर हमेशा खड़ा उठेगा। श्रावणी पूर्णिमा यानी कि आज बाबा विश्वनाथ के झूलन उत्सव के साथ ही काशीवासी सावन को विदाई देंगे। जी हां, बाबा काशी विश्वनाथ के झूलोत्सव की पूर्व संध्या पर बाबा के धाम में कजरी का आयोजन होता है। कजरी से पहले बाबा की पंचबदन प्रतिमा का पारंपरिक रूप से श्रृंगार किया जाता है। कलाकारों ने उनके चरणों में गायन की प्रस्तुति की है। सावन पूर्णिमा यानी कि आज मंदिर की स्थापना काल से चली आ रही लोक परंपरा के हिसाब से बाबा को माता पार्वती और भगवान गणेश के साथ झूला झुलाया जाता है। झूले पर विराजमान होते हैं बाबा। काशी विश्वनाथ मंदिर में झूलोत्सव शाम को 5:30 बजे के बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके पहले क्या चल रहा है काशी में वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कजरी चल रही है। भारत देश हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ अनेकता में एकता के बीच गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल हर गली हर मोहल्ले में देखने को मिल जाती है। देश में मुस्लिम हिंदुओं के त्योहार में शरीक होते हैं और हिंदू मुस्लिम भाइयों के त्योहार में शरीक होते हैं। गोरखपुर में रक्षाबंधन से आने पहले नगर निगम में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में मुस्लिम भाइयों ने हिंदू बहनों से राखी बंधवाकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। बहनों ने मिठाई, अक्षत, रोली, दीप और चंदन से थालियों को सजाया। दीप जलाकर मुस्लिम भाइयों की आरती उतारी। माथे पर चंदन का तिलक लगाकर लंबी उम्र की कामना करी है। मुस्लिम भाइयों ने भी बहनों का मुंह मीठा कराते हुए उन्हें उपहार दिया। उन्हें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधे भी भेंट किए हैं। तो ये अद्भुत तस्वीरें गोरखपुर की हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे।
चलिए, सूबे में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से, देहरादून से हमारे साथ में धनंजय मौजूद हैं। धनंजय, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड पर? पहाड़ पर हर त्योहार का रंग अलग होता है, राखी का कैसा रंग है? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व त्यौहार है, भाई बहन का स्नेह का प्यार है, और ऐसे में यदि राजधानी देहरादून की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, देश के साथ साथ यहाँ पर भी रक्षाबंधन का जो त्यौहार है धूमधाम से मनाया जा रहा है। यदि सरकार की बात करें, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम लगे हैं, अभी वो कुछ देर पहले भी नारी निकेतन पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने जो समाज सेनी है उनसे रक्षा सूत्र बंधवाया है, और इसके बाद कुछ देर बाद जनता हॉल में जो है बहनों से राखी बंधवाएंगे। गणेश जोशी हुए, तमाम जो मंत्री हैं या आम आदमी है, तमाम आज का जो दिन है, आज का जो पर्व है, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि भाई भाई और बहन पूरे साल में इस दिन का इंतजार करते हैं कि कब ये दिन आए, ये पर्व आए। तो कह सकते हैं कि तमाम, अरे सबसे देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार की बात करें, उत्तराखंड सरकार ने आज जितनी बहनें हैं कहीं, यदि उनको उत्तराखंड के अंदर कहीं भी जाना हो तो उनके लिए जो वाहन है वो फ्री कर रखे हैं, रोडवेज की जो बसें हैं वो उनको लेकर जा रही हैं। तो कह सकते हैं कि धूमधाम से उत्तराखंड में इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया धनंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बहनों के लिए वाहनों को फ्री किया गया है, और न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी ठीक ऐसी ही सुविधा है। बहनें अपने भाइयों को तिलक करने जाएंगी, राखी बांधने जाएंगी, तो सरकार की तरफ से, सूबे की सरकार की ओर से, फिर चाहे वो उत्तराखंड की हो या फिर उत्तर प्रदेश की, दोनों ही तरफ से सौगात है बहनों को कि आप आइए और जाइए, कहीं भी आइए जाइए, आज के दिन ये आपका दिन है, आपकी रक्षा का वचन हमने लिया हुआ है। बाबूजी नहीं रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने, आपको बता दें कि 89 साल की उम्र में एसजीपीजीआई में आखिरी सांस ली, जिसके बाद पूरे देश के राजनीतिक खेमे में शोक की लहर छाई हुई है, पूरा देश गमगीन है। तब राम जन्मभूमि न्यास के लिए हुई संघर्ष की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। हालांकि कल्याण सिंह ने लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर अपना महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। वहीं उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के पद पर थे, तब एक दमदार मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें जाना जाता था। हालांकि कई बार उन्हें अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी, लेकिन अपने कामों से विरोधियों को परास्त करना, ये कल्याण सिंह में कूट कूट कर भरा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कल्याण सिंह जी समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के करोड़ों लोगों की आवाज थे। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनगिनत प्रयास किए। उनका समर्पण और सेवा भाव लोगों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। कल्याण सिंह के निधन पर सीएम योगी ने उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी। क्या कुछ उन्होंने कहा, और कहते कहते भावुक भी हो गए, क्या कुछ कहा सुनिए। माता कैसे महान सपूत, जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी माननीय कल्याण सिंह जी की भौतिक देह को लेकर के हम उनके आवास पे पहुंच रहे हैं। कल प्रातः आवास में, फिर विधान भवन में, और उसके उपरांत पार्टी कार्यालय में। तो वही कल्याण सिंह के निधन के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जाहिर किया था। दुखद निधन का समाचार मिला है, समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी से के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है, मैं भी उसमें से ही। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं, क्योंकि कल्याण सिंह की जो पार्थिव देह है वो इस समय विधान भवन में पहुंच चुकी है। विधान भवन का रुख करते हैं। हमारे साथ में स्टेट हेड अनिल के अंकुर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अनिल जी, कहा यह भी जा रहा था कि मौजूदा वक्त में मोहन भागवत आने वाले हैं, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने, साथ में राजनाथ सिंह भी आएंगे। साथ में इस दौरान वहां पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, क्या आप कुछ साझा कर सकते हैं दर्शकों के साथ? देखिए पूजा, मैं बता दूँ कि मैं इस समय कल्याण सिंह के आवास के दो मार्ग में खड़ा हुआ हूँ। लगातार यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। सुबह से पूर्व मुख्यमंत्री बसपा नेता मायावती आई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और पूर्व मंत्री और दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े नेता यहाँ थे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वो दिखा दें कि किस तरीके से उनके आवास में हलचल है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री के आने की संभावना है। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में आने वाले हैं। सिक्योरिटी की व्यवस्था है और सिक्योरिटी की स्थिति आप बीच बीच में रास्ते बंद करके बैरिकेडिंग की गई है और जहाँ पे कल्याण सिंह जी का पार्थिव बैठी है वहाँ पर किस तरीके से पुलिस की हलचल पड़ गई है। भाई थोड़ी देर एक मिनट आने वाले और जो स्थिति है वो निश्चित रूप से इस बात से जुड़े कि कल्याण सिंह के समर्थन की कमी नहीं थी। कल्याण सिंह के समर्थन इतने ज्यादा थे, मतलब कल लाश की घटना के बाद लगातार उनके समर्थकों का जो आना जाना बना हुआ है यहाँ पर, और वहाँ पे आकर करके किसी न किसी रूप में उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आपको बता दें कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिल्कुल आपका वापस से मैं रुख करती हूँ अनूप का रुख करते हैं। अनूप इस समय विधान भवन में मौजूद हैं। अनूप, क्या कुछ हलचल नजर आ रही है इस समय विधान भवन में? देखिए पूजा, बीजेपी कार्यालय में तैयारी पूरी हो चुकी है। पहले विधानसभा जो पार्थिव शव है स्वर्गीय कल्याण सिंह का वहां ले जाया जाएगा, उसके बाद बीजेपी कार्यालय में लाया जाएगा। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें हैं पूजा, जहां पर लगातार वीवीआईपीज हैं। क्योंकि ये दो पार्टों में इसलिए किया गया, पहले विधान भवन में जो वीवीआईपीज हैं वहां पर अंतिम दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर जो वीवीआईपीज विधान सभा में नहीं जा सकते, जिनका पास नहीं है, जो आम जन है, मानस है, या फिर उनके जो चाहने वाले जो करीबी नेता हैं, वो बीजेपी दफ्तर में आकर के उनके अंतिम दर्शन करेंगे। आने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है पूजा। कोविड काल का कानून का पालन करते हुए जो सैनिटाइजेशन या फिर उचित दूरी बनाए रखने के लिए कम लोगों को लिया यहाँ पर जिस तरीके से धीरे धीरे आने के लिए कहा गया है। आपने देखा होगा पूजा, कल्याण सिंह ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनको पक्ष से विपक्ष भी उनको हमेशा मानता रहा। जिस तरीके सुबह आपने देखा कि मायावती खुद उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंची थी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंचेंगे और अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंचेंगे, वहां पर अंतिम दर्शन करेंगे। बिल्कुल, तो पूरे भाजपा में शोक की लहर है पूजा। बिल्कुल, पूरे भाजपा में ही नहीं बल्कि पक्ष हो या विपक्ष हो, हर जगह शोक की लहर इस समय व्याप्त है अनूप। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ के अतरौली जैसे छोटी सी जगह से उठ करके कोई व्यक्ति इतना ज्यादा ख्याति प्राप्त हो गया, जिसने राम को अपनी व्यक्तित्व से, अपने अस्तित्व से आगे रखा, जिनके समय में भाजपा को एक बेहतर रीच मिली, उसको भूला नहीं जा सकता है। अनिल के अंकुर इस समय आवास पर मौजूद हैं, कल्याण सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर मौजूद हैं। अनिल जी, जिस तरीके की तमाम तस्वीरें आप तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस समय क्या हलचल है, कौन वहां पर पहुंच रहा है? क्योंकि अनूप जिस तरीके से बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से यहाँ पे हलचल, यहाँ पे सिक्योरिटी की बढ़ी है, उससे साफ जाहिर है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर लखनऊ की धरती पे लैंड कर चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं। आपको दिखा दें कि किस तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पर एक्शन में है और मतलब किस तरीके से सुरक्षा बंदोबस्त आगे बढ़ा रही है। आपको
ये इस बात का इसका प्रतीक है कि यहाँ पर थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला है। जो देखिए जहाँ पे पार्थिव शरीर रखा हुआ है, पार्थिव शरीर पर आसपास सुरक्षा बंदोबस्त है, अधिकारी तमाम लोग हैं, उनके बगल में बैठे हुए लोग रामधुन गा रहे हैं। ये रामधुन के बाद बता रहे कल शाम को जब पार्थिव शरीर उनके आवास पर आया था तो उस जिस बार अपराधी रहता तो मुख्यमंत्री यहाँ पर साथ में आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पर ऐसी मुख्यमंत्री की खास बात थी कल रात में से लेकर के अभी तक मुख्यमंत्री जिस तरीके से यहाँ पर एक्टिव रहे हैं, उन्होंने एक एक चीज को कौन कहाँ से कैसे मूवमेंट होगा, कौन कितने बजे आएगा, कितने बजे किस तरीके से होगा, ये सब मुख्यमंत्री खुद अपनी निगरानी कर रहे हैं। आज सुबह से तीन बार मुख्यमंत्री यहाँ आ चुके हैं, इससे जाहिर सी बात है। और कल रात में जब पार्थिव शरीर यहाँ पे आया था तो उन्होंने उसकी एक और वजह है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जो गुरु रहे हैं गोरक्षनाथ महाराज, उनका और कल्याण सिंह का संबंध बहुत अच्छा था। ये कहा जाता है दोनों राम को मानते थे, दोनों हिंदूवादी नेता थे, तो दोनों का व्यक्तित्व तो लगभग एक जैसा था। ये वजह भी है कि योगी आदित्यनाथ का विशेष अटैचमेंट कल्याण सिंह से रहा है। अनूप इस समय मौजूद है बीजेपी कार्यालय में। अनूप, आप क्या हलचल महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि कल्याण सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री सुबह से तीन बार रुख कर चुके हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है, भाजपा मुख्यालय पे आप क्या कार्यकर्ताओं का हुजूम भी देख पा रहे हैं अनूप? बिल्कुल पूजा, भाजपा कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है पार्टी कार्यालय के जो लॉन है वहां पर इकट्ठा हुआ है। ये यहाँ पर चूंकि अंतिम दर्शन के लिए एक एक करके थोड़ी थोड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो इसी वजह से यहाँ की जो भीड़ है कम से कम रखी जा रही है। जो लोग आने जाने वाले हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि जो भीड़ कम से कम रखा जाए क्योंकि कोरोना काल है। ऐसे में जिस तरीके से जो सरकार ने जिस तरीके से प्लानिंग भाजपा ने की है कि अंतिम दर्शन ही जो करने के लिए जो इच्छुक लोग हैं वो लोग आए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूल माला या फिर जिस तरीके से उसके लिए यहाँ पर रखा गया है और ये भाजपा का जो झंडा भी यहाँ पर रखा गया उनके उनको लपेटने के लिए क्योंकि उनके जो इस तरीके से उद्बोधन हुआ था उनका जो अंतिम इच्छा थी कि मैं भाजपा का सदस्य हूँ, जीवन भर भाजपा में रहूं और अंतिम क्षण में भी जब मेरी मौत हो जाए तो फिर भाजपा के झंडे में लपेटा जाऊं। तो इस तरीके से भाजपा ने जो कार्यकर्ता या फिर प्रदेश अध्यक्ष ने प्लानिंग की है। मंत्रियों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। आशुतोष टंडन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे, व्यवस्थाएं देख रहे थे कि क्या व्यवस्था यहाँ पर है और आने जाने वालों की व्यवस्थाएं देख रहे थे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं अनूप और अनिल के अंकुर जी कि व्यक्ति व्यक्ति रहा या व्यक्तित्व होकर चला गया, ये अंतिम यात्रा उसकी निर्धारित करती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो पूरे सूबे के लिए या यूं कहें कि पूरे देश के लिए दुखद क्षण है ये। राजनीति जगत से एक पुरोधा चला गया है, एक पुरोधा जिसने अपने व्यक्तित्व के आगे राम को रखा, जिसने राम के आगे अपने पद को भी अहमियत नहीं दी, जिसने कई बार अपने पद को त्यागा। ये सच है कि कहीं ना कहीं कल्याण सिंह के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदूवादी नेता खो दिया है। तो वहीं इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम को रिसीव करने के लिए सीएम योगी मौजूद हैं, कल्याण सिंह की आवाज पर पहुंचने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ से। बड़ी और अहम जानकारी, लखनऊ एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, बड़ी खबर अहम जानकारी, कल्याण सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और इसी के चलते आकस्मिक निधन के बाद आकस्मिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री का, उन्होंने कहा कि मैं खुद कल्याण सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आऊंगा और लखनऊ का रुख प्रधानमंत्री ने खुद किया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर पीएम मोदी पहुंच गए हैं और उनको रिसीव कर लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और अब से कुछ ही देर में कल्याण सिंह के आवास पर, लखनऊ स्थित आवास पर प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।